नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज शाला। साथियों, अरविंद केजरीवाल को कौन नहीं जानता। लोकपाल बिल, कालाधन, भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों पर बेबाकी से अपनी बात रखने वाले केजरीवाल कई आंदोलन करके काफी आलोचनाओं का सामना करते हुए आगे बढ़े और आज दिल्ली के मुख्यमंत्री तक का सफर तय कर चुके हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं अरविंद केजरीवाल की बात ही क्यों कर रहा हूँ, इसका कारण भी आपको पता चल जाएगा। तब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जिससे आप हमारे साथी बन जाएं और ऐसी ही रोचक जानकारी सबसे पहले देख सकें। तो साथियों, बात यह है कि आज हम आपको अरविंद केजरीवाल की संपत्ति के बारे में बताएंगे, तो वीडियो पूरा देखिएगा। बात करते हैं उनके 2018-2019 के ITR के मुताबिक, यानी इनकम टैक्स रिटर्न के मुताबिक टोटल इनकम की। उनकी टोटल इनकम है 2,81,375 रुपये। जी हाँ दोस्तों, वैसे तो केजरीवाल सीधे साधे दिखते हैं, लेकिन जो दिखता है अक्सर वैसा रियलिटी में होता नहीं है, क्योंकि अब मैं उन पर लगे मुकदमे यानी उन पर कितने केस चल रहे हैं उसकी भी जानकारी दे ही देता हूँ। साथियों, केजरीवाल के जो पेंडिंग केस हैं उनकी लिस्ट काफ़ी लंबी है। जी हाँ, एक नहीं, दो नहीं, पूरे 13, यानी पूरे 13 केस अभी पेंडिंग हैं। मैं आपको बता ही देता हूँ, धारा 506 यानी किसी को धमकाना, धारा 332 किसी लोक सेवक को ड्यूटी करते वक्त धमका कर जानबूझकर गंभीर चोट पहुंचाना, धारा 500 यानी मानहानि, धारा 341, धारा 120B, धारा 188 जैसे तमाम मुकदमे दर्ज हुए हैं उनके खिलाफ। मैं आपको स्क्रीन पर लिस्ट दिखा रहा हूं जिससे आपको समझने में आसानी होगी। लेकिन साथियों, अभी तक कोई ऐसा केस सामने नहीं आया है जिसमें वो दोषी पाए गए हों। अब आगे बढ़ते हुए बात करते हैं उनके कैश के बारे में कि उनके पास कितनी राशि कैश में उपलब्ध है। तो साथियों, इनकी पत्नी और इनको मिलाकर लगभग 22,000 रुपए इनके पास कैश है। अब बात करते हैं उनके बैंक डिपॉजिट मनी की, तो उन दोनों का अकाउंट SBI में है यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में, जिसमें से 22 लाख प्लस रुपए उनकी पत्नी के और 10 लाख रुपए लगभग अरविंद केजरीवाल के मिलाकर टोटल मनी 33,29,205 प्लस रुपए है उनकी बैंक में जमा है। एक और अकाउंट है उनका ICICI बैंक में, जिसमें 20,000 प्लस रुपए अरविंद केजरीवाल जी के जमा हैं। साथियों, हम आपको बता दें, अरविंद केजरीवाल ने तो नहीं, लेकिन उनकी पत्नी ने 15 लाख प्लस रुपए SBI म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रखे हैं। अगर बात करें उनके पास कौन सी कार है, तो बता दें मारुति बलेनो उनके पास है, जिसकी कीमत लगभग 6,20,000 रुपए है। अगर उनकी पास रखी ज्वेलरी की बात करें, तो 1 किलो चांदी और 320 ग्राम सोना है उनके पास, जिसकी कीमत 12,40,000 रुपए है। अगर हम उनकी सारी चीज़ों को जोड़कर रकम तैयार करें, तो टोटल 67 यानी 67 लाख प्लस रुपए होते हैं, जो कि अच्छी खासी संपत्ति है। अब बात करें उनकी प्रॉपर्टी, या यूं कहो नो एग्रीकल्चरल लैंड की, तो उनके पास दो प्रॉपर्टी हैं, जो कि एक गाजियाबाद में और एक हरियाणा में है, जिनकी कीमत 1,77,00,000 प्लस रुपए है। आगे बढ़ते हुए बात करें उनके रेजिडेंशियल बिल्डिंग की, तो गुरुग्राम में है, जिसकी कीमत 1 करोड़ प्लस रुपए है। अगर हम इनको ऐड करें, तो 2,77,00,000 प्लस रुपए होते हैं, जो कि एक बहुत बड़ी रकम है। तो साथियों, देखा आपने, हमारे केजरीवाल वैसे तो बहुत भोले दिखते हैं, हालांकि वो इतनी संपत्ति के मालिक हैं। अरविंद केजरीवाल जी की संपत्ति के बारे में आपका क्या ख्याल है, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही, आप देखते रहिए न्यूज़शाला। धन्यवाद।